नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। अटेली थाना प्रभारी संतोष कुमार ने अटेली शहर के व्यापारियों की बुलाई मीटिंग। शहर की सुरक्षा व्यवस्था व लोगों की समस्याओं पर किया गया विचार विमर्श। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में। मैं संजय कौशिक। अटेली थाना प्रभारी संतोष कुमार ने सुरक्षा को लेकर शहर के व्यापारियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें शहर के लोगों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और सुरक्षा को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाने का प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें कि CCTV कैमरे शहर के जितने भी प्रवेश मार्ग हैं और बाहर निकलने के मार्ग हैं, उन सभी मार्गों पर लगभग 32 कैमरे लगवाने का प्रस्ताव शहर वासियों के समक्ष रखे गए हैं। कैमरे लगने से असामाजिक तत्व, नशा तस्कर व अपराधियों पर शिकंजा कसने में आसानी होगी। मीटिंग में शहर के मौजीजान में गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने एक स्वर में शहर के मुख्य एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट पर कैमरे लगाने की बात पर अपनी सहमति जताई। सभी प्रकार की ताज़ा खबरों एवं लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। सर, जो आज अटेली शहरवासियों की मीटिंग बुलाई गई थी व्यापारियों की, ये किस विषय पर बुलाई गई थी? देखिए, जो हमारा कस्बा है, शहर अटेली है, उसकी हम कोशिश करते हैं कि उसकी सुरक्षा अच्छे से हो, पूर्णतः हो, चाक चौबंद हो। इस संबंध में आमजन का सहयोग लेने के लिए हमने आज सबको आमंत्रित किया था और सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, तो उस हिसाब से हम सुझाव जो आए हैं उसके हिसाब से शहर की सुरक्षा को और अच्छा करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसी हिसाब से जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी उस संदर्भ में। सर, जैसे कैमरे का विषय है जी अटेली में, जी कुछ जगह जो है जहाँ से अटेली शहर के अंदर दाखिला और बाहर निकलने का रास्ता है, वहाँ पे कैमरे की जो है वो क्या? देखिए, सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, तो सुझाव ये भी है कि भाई CCTV कैमरे लगाए जाएँ, तो इस संबंध में सब ने सुझाव दिए और हम सब जो आपस में सहयोग करके और इसको जल्दी हम शुरू करेंगे कि शहर की जो सुरक्षा है वो कैमरे की निगरानी में। सर, अगर कैमरे लगते हैं तो कैमरे इन जगहों पे भी लगाए जाएंगे जहाँ पे ड्रग स्पॉट एरिया है? देखिए, जो जो शहर की सुरक्षा के लिए जो आवश्यक जगह है उन सब जगह हम कोशिश करेंगे लगाने की। बाकी अभी शुरुआत होती है, उसके बाद इसको आगे आगे जैसे भी होगा बढ़ाया जाएगा और बेहतर किया जाएगा।